लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कान की बीमारी की वजह से जो उसके ब्रेन पर इफेक्ट हुआ था वो और बढ़ गया है। हमें इसे हॉस्पिटल में कुछ वक्त के लिए रखना होगा ऑब्जर्वेशन के लिए। एक्चुअली ही इज हैविंग स्किज़ोफ्रेनिया एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर। It's a chronic mental health condition. Hallucinations, delusions. बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है मगर अंदर से ही इज डिटेरियोरेटिंग एवरी डे। एक दिन अचानक उसका ब्रेन डेड हो जाएगा। नंदिनी, we all have to be more careful now onwards. हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। अब उसका दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो किसी को भी बीमारी समझ सकता है। कभी भी उसके दिमाग से उसके मरे हुए साथी बाहर आ सकते हैं। शायद वो उनकी मौत का बदला लेना चाहता है। He has become dangerous to the society. Dangerous तो आप लोग हैं। साजिश कर रहे हैं आप सब। ये प्रवीण जोशी, तुम मिले हुए ना एमआरएस से? तुम्ही ने मैस्केरेड पार्टी के सारे सबूत साफ कर दिए। किसी को कुछ नहीं मिला। Shut up! इंक्वायरी चल रही है। सच क्या है सबको बहुत जल्द पता चल जाएगा। सच तो सामने आ ही जाएगा। मेरी टॉक्सी टीम गई है पीएमओ से आप सबकी शिकायत करने। तुम चिंता मत करो, हमारे प्यार के रंग वापस आएंगे। कोई नहीं रोक सकता उन्हें। I don't want to meet anyone. वासु, कितनी सिक्योरिटी है? 3 सर। डबल इट। ओके सर। सैड एनफ इंजीनियर्स। बेटा आप लोग जा सकते हैं। राधे राधे। मैडम आप भी। 10 मिनट्स प्लीज। ओके। आज भी 60 मिनट नहीं। तुम्हें रुला दे या एक पल भी तुम्हारी मुस्कान छीन ले तो मुझे याद मत करना। वाह, क्या लव स्टोरी है, लेकिन मेरी खराब कर दी। हैंडसम हूं ना? दिल को राष्ट्रीय खेल घोषित कर देना चाहिए। सब खेलते हैं इसके साथ, मैं भी खेलूंगा। एक्चुअली तो मेरी लड़ाई उस कालिए से है जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे,
हालत बिल्कुल खस्ता थी, लेकिन बाप जो था वो बहुत ही ईमानदार, सच्चा, नमाजी, परहेजगार। घर के हालत भी बिल्कुल खस्ता थी, जो कड़ियाँ थी, 5-6 कड़ियाँ थी, उनको आज तक ठीक नहीं करवाया उसने। पैसा ही नहीं था उसके पास, क्या करता। ना उसके अंदर इतनी अकल थी कि वो ये सोच सके कि उसके यहाँ एक जीनियस पैदा हुआ है। और मैं यूज्ड हो चुका था उस चीज़ का। धीरे धीरे पढ़ता चला गया, आईटी में एडमिशन लिया। विद इन 2 ईयर्स रॉ एजेंसी की साइट को मैंने हैक कर लिया, उसका मुझे 1 करोड़ मिला। और जिस दिन मुझे 1 करोड़ मिला, उस दिन मैंने बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। मैंने कहा घर जाऊंगा, वो कड़ियाँ वड़ियाँ सब ठीक करवाऊंगा, पूरे घर को आलिशान बनाऊंगा, अब्बू अम्मी खुश होंगे। जैसे गया तो मेरा बहुत अच्छा वेलकम हुआ। जूते चप्पल जो भी मिला अब्बू को, मारा मुझे। इतनी धुनाई हुई मेरी, इतनी धुनाई हुई, मैं बता नहीं सकता। मारते गए तो पहली बार मेरी ईगो जागी। और ईगो ऐसी आई कि मैंने अपने अब्बू को ना ऐसे पकड़ा, गर्दन ऐसे पकड़ के और ऐसे झटका दिया, और पास में चाकू पड़ा हुआ था वो लेके मारता चला गया। बीच में अम्मी आए छुड़ाने के लिए, मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने आंखें बंद कर रखी थी, मैं मारता जा रहा था खाँ, 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 खाँ। और थोड़ी देर के बाद मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरे अब्बू अम्मी खून से लथपथ पड़े हुए थे। अम्मी को देखा मैंने, जिसको मैं बहुत प्यार करता था। मैंने कहा उसको बीच में नहीं आना चाहिए था, बस मुझे देख रहे थे ऐसे। तभी एकदम पीछे से हाथ आया किसी का, उसने खींचा मुझे, ने पलट के देखा, पुलिस, जेल में डाल दिया मुझे। बहुत टॉर्चर किया, बहुत जूतों से पिटाई हुई, हर तरीके से, मतलब थर्ड डिग्री जैसे टॉर्चर होता है ना, वैसे किया। पता है वो ऑफिसर कौन था? जयशंकर प्रसाद। कुछ दिन के बाद मैंने उसको बुलाया रात में, एक्सक्यूज मी, आए नए जो SI है, CIA, FBI, मोसाद, इन सब की बैंड है, उन्होंने हायर मी, आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, पे मी बिकॉज आई एम ए जीनियस। उसने बोला इडियट लोग नहीं चाहिए देश को, कैरेक्टर चाहिए। मतलब मैंने अपना खिलौना तोड़ दिया, अपनी चीज फेंक दी, तो मेरा कैरेक्टर खराब हो गया। मैंने अपने माँ बाप को मारा, किसी और के माँ बाप को तो नहीं मारा ना मैंने, सजा किस बात की थी? वो तो भला हुआ SI का वो उठा के ले गए मुझे, वरना तो तुझे फांसी दिलवा रहा था। तब से लेके आज तक वो खुलना से मेरे अंदर उस काले को लेके, उसको ना फांसी पे लटक पाऊंगा मैं। चले एक आखिरी रिडल खेलते हैं, दिल की लड़ाई दिमाग से। तूने भी खूब खेले, दिल की लड़ाई दिमाग से, गुड। हेलुसिनेशन का बहुत बड़ा ड्रामा किया। और अपनी जिस टॉक्सिक टीम का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया था, उसकी झूठी कहानी उड़वा दी, वो भी इस लड़की के जरिए कि वो जिंदा है। बिजली के झटके खाए, वो भी रियल, ताकि लोग तुझे पागल समझें, ताकि कानून को धोखे में रख के हर सजा से बच जाए, और एक दिन ठीक होने का ड्रामा करके तो अपने प्यार के पास वापस आ जाए। वाह। क्या जीनियस प्लान है, क्या आशिकी है। अमोर, ये सलीम है। सॉरी असु, रूबी ने कहा हस्बैंड जो मर गई, मैंने मारा था, 2 मिनट में बोल दिया इसने। सर छोड़ दे इसे, तेरी लड़ाई मेरे साथ है। अच्छा तो तू यहाँ क्या कर रहा है, जा। मैं चैलेंज करता हूं तुमको, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को,
स्पेशली एनएस से जयशंकर प्रसाद को जूते लगवाए थे ना उसने मुझे, जूते लगवाऊंगा, थप्पड़ों से पिटवाऊंगा, रोक सको तो रोक लो मुझे। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, अब एमआरएस मिस्टर समर खान। क्या मैं ऐसे ही चीफ से बात कर सकता हूं सर? ऐसा चीफ राइट नाउ। हेलो, इकराम हियर, पीए ऑफ चीफ साहब। चल अपने चीफ को फोन दे, वासुदेव बोल रहा हूं। कौन वासुदेव? एमआरएस ने बताया नहीं तुझे? एमआरएस? कौन एमआरएस? ब्लू आईज ब्राउन हेयर फेयर स्किन लाहौरी नाक नक्श St. Edmund's College, Victoria Street, Central London. Born in Lahore, Pakistan. Date of birth 19 March 1999. Maqam Shabina. No siblings. And hello, Fatima. Fatima, ke baat kar rahe ho tum? Ji, Chief Sahab. Aur is waqt mere char aadmi uske aage piche Piccadilly Street pe ghoom rahe hain. Uda denge. How dare you? Wo meri beti hai. Mujhe to pata hi nahi tha aapki beti hai wo. Jaise aapko nahi pata ki koi MRS hai ya nahi. Ye galat hai. Bilkul galat hai. हमारे पंजाब में और आपके लाहौर में दोनों में कहावत है कि बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। देखिए, हमें आपसे कोई बैर नहीं, लेकिन अगर आप हमारे घर में घुसेंगे ना तो आपकी कोई खैर नहीं। कह दीजिए हमारे इसको कि वो सरेंडर कर दे, वरना ये जो हिंदुस्तानी जूता पहना है ना आपने, आपके सिर ही पड़ेगा। राधे राधे। एमआरएस, तुम्हें तो कांत सिक्योरिटीज के साथ मिलकर टैग जिहाद की जिम्मेदारी दी थी, ये नया क्या करने जा रहा है? अबाउट दिस मिशन। शट अप, अपनी बेटी की बात आई तो हिल गई साले। उस दिन मशकरेट पार्टी में मेरी प्लानिंग क्या फेल हो गई तो बेइज्जती कर रहे थे। साला जूते मार रहे थे बातों के। मैं अपना नाम मिट्टी में नहीं मिला सकता, समझे? अब ये तूफान उठा है तो तबाही करके ही रुकेगा। ये मेरी लड़ाई है, मेरा बदला है। सर, यू हिट द नेल ऑन द हेड सर। सर, एमआरएस और आईएसआई का अब भी कॉन्टेक्ट हुआ है। लोकेशन ट्रैक हुआ? हाँ सर, लोकेशन ट्रैक हो रहा है। मिल गया सर, यमुना एक्सप्रेस हाईवे मथुरा। रमन, तुम एक काम करो, मथुरा वृंदावन से आने जाने वाले सभी कॉल्स कैप करो और इंटरनेट और सोशल मीडिया को भी सर्वेलेंस पे ले लो। आई डोंट वांट एनी लूज एंड्स, गॉट इट? ओके। सर, लगता है सुअरो ने लोकेशन का पता लगा लिया है। पूरा मथुरा डिस्ट्रिक्ट हाई अलर्ट पर है। एनएसजी कमांडर ने शहर को छावनी बना दिया है सर। मथुरा में अब लड़की और एक्सप्लोसिव लेकर आपका दाखिल होना इम्पॉसिबल है सर। बेटर वी चेंज द सिटी सर। जो होगा आज ही होगा और अभी होगा। मैं मथुरा पहुंच चुका हूँ, लड़की को भी सही जगह पहुंचा दिया है। तुम बस वकार को मैसेज दो एक। सर, एक और मैसेज इंटरसेप्ट कर रहा है, कोई वकार और एमके बात कर रहे हैं। वाजिद भाई, कैटमैन तो मैंने अरेंज कर लिया है, बट नो इफ नो बट, संध्या आरती में शंख बजना ही है। गोविंद टेंपल, ओके, मथुरा। नमस्कार, सभी दर्शनार्थियों से निवेदन है कि वो सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करें। मंदिर प्रांगण में सुरक्षा के लिए कांग्रेस है। एनएसजी कमांडर राठौर के चार्ज में सारी तैयारी और बंदोबस्त पूरा हो चुका है सर, लेकिन बॉम्ब का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। ये टेरा मशीन कभी मोबाइल फोन को, कभी घड़ी को, कभी प्लास्टिक के खिलौनों को बम बता रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, बम नहीं मिल रहा। कंट्रोल रूम कहाँ है? सामने। अब तो तुम्हारा कन्हैया भी नहीं रोक पाएगा मुझे इतिहास बनाने से। नंदिनी, मंदिर पब्लिक अभी मेरी जिम्मेदारी है। लेट वासुदेव हैंडल सुदास, लेट मी फोकस एंड फाइंड द बॉम्ब। वैसे भी मशीन बहुत कॉम्प्लेक्स है सर, हर कोई इसे समझ नहीं सकता। वेट, ओके। अरे इट्स अ बॉम्ब। ये बॉम्ब नहीं है। व्हाट सर, इट्स अगेन अ प्लास्टिक टॉय विद कैडमियम लेयर। कार आया वो जानता है हम तेरा मशीन यूज कर रहे हैं, इसलिए उसने प्लास्टिक पे कैडमियम की लेयर चढ़ा के कई ऑब्जेक्ट ऐसे फैला दिए रेडियस में। और जब तक हमारे टेरा की रेज इस रेडियस में पड़े हुए ऑब्जेक्ट से टकराएगी, वो हमेशा समझेगी कि यही बॉम्ब है। हम असली बॉम्ब तक पहुंच ही नहीं सकते सर। एक बार थीटा 65 करो। डू इट राइट नाउ, थीटा 65। ये रेप को पकड़ो और इसको रिवर्स करो। मिरर इट एंड यू विल गेट द रियल पोजीशन। Latitude is
29.4232 and longitude is 77.6737. Right, close. Latitude is 29.5051 and longitude is same, 77.6737. It's high intensity red spot. I think we detect. We are checking, sir. Repeat. Confirm the detection. Control to Alpha. Confirm the bomb is not fake. Sir, bomb will get killed. Hot bomb the area immediately. Richard, yeah. Nandini. Nandini. Wake up. Tumhe kuch nahi hoga. Okay? Okay? Chhodunga nahi us kutte ko main. Kuch nahi hoga tumhe, Nandini. Kuch nahi. अरे यहाँ 25 मिनट में बम फटने वाला है, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? और 45 मिनट फोर्स को यहाँ पहुँचने के लिए क्यों लग रहे हैं? दिल्ली तो बगल में है ना, मुझे तुरंत इवैक्यूएशन स्टार्ट करना है, प्लीज। इतनी कम फोर्स के साथ मैं हजारों लोगों को कैसे इवैक्यूएट कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए। और हाँ, स्टैम्पेड हो गई तो? चौबे जी, जी शुक्ला जी, तमाम आस पास मंदिरों में और इधर उधर जितनी भी सारी सिक्योरिटी होगी सबको यहाँ बुलाइए। जी मुझे 15 मिनट के अंदर इवैक्यूएशन स्टार्ट करना है, प्लीज। सर जब तक ये बॉम्ब डिफ्यूज नहीं करेंगे तब तक ना इसे बॉडी से हटाया जा सकता है ना ही इस व्हील चेयर को हिलाया जा सकता है, तो डिफ्यूज करो ना। इट लुक्स वेरी ट्रिकी सर, इसे देखने से लग रहा है कि इसे बहुत चालाकी से बनाया गया। सर बॉम्ब का पैनल रूबिक क्यूब से जुड़ा है, इसे सॉल्व करके डिफ्यूज कर सकते हैं। कोशिश करो यार। सर आप जानते हैं वी डोंट हैव इनफ टाइम टू सॉल्व द क्यूब, इसमें 15 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है। It's impossible to solve it in 15 seconds, sir. इसे 15 seconds में solve करना impossible है, लेकिन world record 4.59 seconds का ये solve हो सकता है। I can do it. No! No, Vasu, कोशिश भी मत करना। Let me try. I think I can. Please don't touch it. इसको हाथ लगाते ही 15 सेकंड में मंदिर ब्लास्ट हो जाएगा। Hey, Vasu, please don't. आप कर सकते हैं क्या? Can I try? आप में से कोई नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। Let me do it. Please don't do it. You trust me, Nandini. You trust me.